नकली पान मसाला बनाने की फैक्ट्री पर क्राइम ब्रांच का छापा, 3 गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की स्क्वाड और गोविंद नगर थाने की संयुक्त टीम ने महादेव नगर स्थित एक मकान में छापेमारी करके नामचीन कंपनी की नकली पान मसाला फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों का कच्चा और तैयार माल, पैकिंग रैपर, पैकिंग मशीन समेत 50 लाख का माल पकड़ा है। पुलिस आयुक्त कानपुर असीम अरुण ने बताया कि काफ़ी समय से गोविंद नगर के रतनलाल नगर में नकली मसाला बनाने की फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिल रही थी। इस पर टीम ने गोविंद नगर पुलिस के साथ महादेव नगर निवासी अनुज मिश्र के मकान में छापेमारी करके फैक्ट्री चलती पकड़ी। छानबीन में सामने आया कि गौसगंज त्रिपाठी मोहल्ला मूसा नगर कानपुर देहात निवासी गोरेलाल उर्फ रामचंद्र फैक्ट्री चला रहा था। मौके से मछरिया राजीव विहार निवासी रिंकू सविता और मछरिया रोड निवासी विमल प्रजापति को पकड़ा गया है। आज कानपुर नगर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना गोविंद नगर क्षेत्र में एक दबिश दी है और वहां पे नकली कॉपीराइट ब्रांड के आधार पर पान मसाला बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है। यहां पर 4-5 ब्रांड्स के नकली रूप से पान मसाले बनाए जा रहे थे, गलत सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही थी। फूड इंस्पेक्टर ने और कानपुर नगर की पुलिस ने मिल करके इसमें कार्रवाई की है और जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से बहुत सारी सामग्री और मशीनरी भी बरामद की गई है और इनको सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कानपुर से मोहम्मद अबूजर की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।